नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी का जो सहयोग, जो समर्थन हमें अपने चैनल पर मिल रहा है उसके लिए। और आशा करता हूँ कि आगे भी हम इस तरह के कंटेंट, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो लेकर आते रहेंगे कि जो हमारी जो शिक्षा स्तर है उसको बढ़ाता रहे, हमारी जो जानकारियाँ हैं, सामान्य सी जो हमारी नॉलेज है उसको बढ़ाता रहे, यही हमारी आगे कोशिश रहेगी। हालांकि पिछले दिनों बहुत सारे सुझाव हमें मिले जिन टॉपिक्स पर हमें वीडियो बनानी है, बहुत सारे आइडियाज़ मिले जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने दिए। उन सब में से मैं अभी गारंटी नहीं दे पाऊँगा कि सभी विषयों पर हम एक साथ वीडियो बना पाएँ क्योंकि थोड़ी सी समय की पाबंदियाँ हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब नहीं तो थोड़ा सा समय के बाद हम उन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आएँ। लेकिन जब भी वीडियो मिलेंगी वो एक बेहतरीन किस्म की होंगी, पूरी जानकारी के साथ होंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की जो टॉपिक है, मतलब एक बहुत कॉमन सा टॉपिक मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ, और इस टॉपिक में हम जो बात कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की। तो यहाँ ये वीडियो बनाते समय मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र जो विषय है वो पढ़ने वाला बच्चा चाहे किसी स्कूली स्तर पर हो, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हो, या ग्रेजुएशन लेवल पर हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हो, तो उसे इस विषय के बारे में एक सामान्य सी समझ, एक सामान्य सी जानकारी बनाने में कोई कठिनाई ना हो, कोई मुश्किल ना हो, इसी उम्मीद के साथ मैं ये टॉपिक, ये जो वीडियो है वो लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें हम जो बात करने वाले हैं आज, हम अर्थशास्त्र और अर्थ विषय, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इन दो विषयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो उनके बारे में जो बेसिक सी चीज़ें हैं, जो सामान्य सी चीज़ें हैं जो इको पढ़ने वाले किसी भी बच्चे को होनी चाहिए, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम इको पढ़ना शुरू करते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं, तो कुछ शब्द जिनका सामना हमारा अक्सर होगा, आप किसी भी लेवल पर चले जाएं वहाँ उन शब्दों का सामना होगा, और उन शब्दों के रूप जो है परिभाषाएँ, उन शब्दों के अर्थ जो हैं वो हमें सही सही पता हों। अगर वहाँ कुछ भी गलती करते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अनर्थ की ओर चले जाएंगी। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ मूल शब्दों की, उनमें जो पहला शब्द है वो है उत्पाद, यानी जिसे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। एक मूल सा शब्द है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, जो इको में बार बार हमें फेस करना पड़ता है। और देखिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, और इको पढ़ते समय हमारे सामने जो शब्द आएंगे उनमें सबसे पहला जो मूल शब्द है वो उत्पाद है यानी प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हम एक व्यक्ति होने के नाते तमाम चीज़ों का, तमाम वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी सेवाओं का उपभोग करते हैं। हर वो वस्तु जिनका उत्पादन या उपभोग हो रहा हो वो वस्तु उत्पाद कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। तो उत्पादक जिसे इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। तो देखिए, उत्पादक की जब बात करते हैं, उत्पादक यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, देखिए सिंपल सी बात है, जब हम किसी अर्थव्यवस्था की बात करें, किसी इकोनॉमी की बात करें, तो उस इकोनॉमी में बहुत सारी चीजों का यानी वस्तुओं या सेवाओं को जिन्हें हम उत्पाद कह रहे थे उनका उत्पादन किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति किसी ना किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करता है, जिसका जो है उसको बनाता है, तो उस व्यक्ति को उत्पादक कहते हैं। उत्पादक की जब बात करते हैं तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम इसे व्यक्ति के तौर पर लिख लेते हैं, यानी उत्पादक कौन है, उत्पादक वह व्यक्ति है जो किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण करता है। आगे बढ़े तो हमारा जो अगला महत्वपूर्ण शब्द है वो है उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। अब देखिए, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन क्या है, तो उत्पादन देखिए एक क्रिया का नाम है, इसको हम स्पेसिफाई करने के लिए, समझने के लिए हम इसको देते हैं। उत्पादन क्या है, उत्पादन एक क्रिया है, एक काम है, सिंपल सी बात है। जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करता है तो वो क्या करेगा कि वो व्यक्ति जो है उस वस्तु को बनाने के लिए कुछ क्रियाएं करेगा, उस व्यक्ति का वस्तु का निर्माण करने के लिए कुछ काम करेगा, तो ऐसी क्रियाओं को उत्पादन कहा जाता है, प्रोडक्शन कहा जाता है, जिन क्रियाओं के द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण होता हो, उत्पत्ति होती हो। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है उपभोक्ता, उपभोक्ता जिसे कंज्यूमर कहते हैं, जिसे कंज्यूमर कहते हैं। तो देखिए, जिस तरह से उत्पादक एक व्यक्ति है उसी तरह से जो कंज्यूमर है वो भी एक व्यक्ति है। तो कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु या सेवा यानी किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल करता हो, उसका उपभोग करता हो, वो व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है यानी कि कंज्यूमर कहलाता है, कंज्यूम करने वाला व्यक्ति कंज्यूमर कहलाता है।
आखिरी और एक जो महत्वपूर्ण शब्द है हमारे हमारे पास है वो है आपका उपभोग, उपभोग यानी कि कंज्यूम, कंज्यूम। अब जिस तरह से उत्पादन एक क्रिया है वैसे भी वैसे ही उपभोग भी एक क्रिया है, एक क्रिया है। तो देखिए दोस्तों इसकी बात करें, अगर उपभोग की बात करें तो जाहिर सी बात है जब भी कोई व्यक्ति किसी ना किसी किसी वस्तु या किसी सेवा का इस्तेमाल करता है, उस वस्तु को अपने काम में लेता है, तो ऐसा करने के लिए उसे कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तो इस क्रिया को ही उपभोग कहा जाता है। अगर हम इन सभी शब्दों के संबंध के साथ की बात करें कि इन सभी शब्दों का आपस में संबंध है, उदाहरण से समझते हैं, तो देखिए जाहिर सी बात है इस समय एक टीचर के तौर पर मैं अपनी सेवाओं का उत्पादन कर रहा हूँ, क्योंकि सेवाएं और वस्तुएं दोनों ही उत्पाद कहलाती हैं। इसलिए जब मैं अपनी सेवाओं का यानी कि टीचिंग का उत्पादन कर रहा हूं तो उस समय जो टीचिंग है वो है उत्पाद, वो प्रोडक्ट है। और उसके बाद क्योंकि मैं एक टीचर होने के नाते टीचिंग का शिक्षा का उत्पादन कर रहा हूं, तो इसलिए एक जो मैं हूं मैं इस उत्पाद का यानी कि इस प्रोडक्ट का जो है उत्पादक कहलाऊंगा, यानी कि प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर कहलाऊंगा, क्योंकि मेरे द्वारा टीचिंग का उत्पादन करने के लिए, मेरे द्वारा पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है या मैं मार्कर से बोर्ड पर लिख रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही हैं, मेरे द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो कहलाएगा उत्पादन। मैं उत्पादक हो गया और मैं उत्पाद का यानी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहा हूँ, और मेरे द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही हैं वो क्रियाएं हैं उत्पादन। इसके साथ ही जिस समय आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप कोई भी बच्चा क्लासरूम में बैठकर पढ़ता है, तो उस समय जो बच्चा है जो मतलब मेरी सेवाओं का उपभोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, वो बच्चा यानी कि कोई भी व्यक्ति जो मतलब मेरी वीडियोस देख रहा है वो व्यक्ति हो गया उपभोक्ता, क्योंकि वो मेरे उत्पाद यानी कि सेवाओं का इस्तेमाल कर रहा है, वो उपभोग कर रहा है, वो उनका कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी वस्तु या सेवा का इस्तेमाल करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे या आप कहीं भी क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे होंगे, तो आपको पढ़ने के लिए किसी भी टीचर की सेवाओं का जो है उपभोग करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको ध्यान से सुनना होता है, कॉपी पे नोट डाउन भी करने होते हैं नोट्स, और जो भी आपके द्वारा क्रियाएं की जाएंगी किसी वस्तु का इस्तेमाल करने के लिए, आपके द्वारा की गई जो क्रियाएं हैं वो कहलाई जाएंगी उपभोग। तो देखिए सिंपल सी बात है, उत्पाद अगर मैं यहीं पर अगर संबंधों के बात करूं तो हमारे और आपके बीच में जो जो टीचिंग है, जो शिक्षा है, वो उत्पाद है, क्योंकि मैं इस सेवा का उत्पादन कर रहा हूं इसलिए मैं उत्पादक हूं। मेरे द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही हैं वस्तुओं का उत्पादन या सेवा का उत्पादन करने के लिए, वो उत्पादन क्रिया है, क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, आप मेरी सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या है आप उपभोक्ता हैं, और आपके द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही हैं वो सभी उपभोग क्रियाएं हैं। इस तरह ये जो पांच शब्द हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आने चाहिए, किसी भी स्तर पर आप पढ़ रहे हैं। यहाँ इन शब्दों में जरा सी चूक हुई तो वो थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, या पर कहीं बहुत बार मैंने देखा कि ग्रेजुएशन लेवल पर भी बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी हैं, और वो इन शब्दों के अर्थों में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको जरा सा भी कन्फ्यूजन इन शब्दों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही जो शब्द हैं वो पूरी इकोनॉमिक्स का, पूरी अर्थशास्त्र का जो है आधार है, मूल बिंदु है। अब चलिए इसके बाद जब बात करते हैं तो हम बढ़ते हैं अपने अर्थशास्त्र विषय की मूल धारा की ओर, और वहां हमें बात करनी है अर्थशास्त्र की परिभाषा की, और फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो भाग हैं, उनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और जो महत्वपूर्ण चीज है जो हमें पता हो वो है संसाधन, संसाधन यानी कि रिसोर्स, संसाधन यानी कि रिसोर्स। अब देखिए संसाधन या रिसोर्स होते क्या हैं, जिस तरह हमने बात की क्योंकि कोई भी वस्तु या सेवा उत्पाद कहलाती है, तो उसी तरह संसाधन की बात करें तो उससे थोड़ी मिलती जुलती है। संसाधन क्या है, तो देखिए हम एक मानव जीवन जीने के लिए, कोई भी अपना जो सामान्य जीवन है उसे जीने के लिए बहुत सारी वस्तुओं का, तमाम वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। हर वो वस्तु जो हमारे कामों को आसान बनाती हो या हमारे कामों में आती हो वो संसाधन कहलाती है, और एक हर उस चीज़ को रिसोर्स कहते हैं। अगर आप ज्योग्राफी वाली शब्द जो है, अगर भाषावली में बात करें, अगर शब्दावली में बात करें, तो वहाँ पर संसाधनों का अर्थ जो है दो वर्गों में ले लेते हैं, यानी कुछ संसाधन जो है वो मानव निर्मित होते हैं, कुछ संसाधन प्राकृतिक होते हैं। लेकिन क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम संसाधनों की बात करते हैं, संसाधन वही हैं, यानी हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो हमारे काम में आ रहा है, जो हमारे जो है जिसको हम अपने कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ संसाधन है। संसाधन कुछ भी हो सकता है, जहाँ मैं हूँ अभी वहाँ पर मेरा टेबल जो है, कुर्सी, पेन, पेज, मेरा बोर्ड या फिर मेरा जो कैमरा है, वो सब कुछ क्या है, वो सभी संसाधन हैं। हर एक चीज़ जो हमारे काम में आती है, हमारे कामों को आसान बनाती है, उस हर एक चीज़ को हम संसाधन कहते हैं। लेकिन आपको अपनी परीक्षाओं के लिए दो बातें ध्यान रखनी है, और वो आपसे पूछी जाती हैं कि संसाधनों की विशेषताएं क्या हैं,
संसाधनों के गुण क्या है, संसाधनों की विशेषताएं क्या है। तो संसाधनों की विशेषताओं के तौर पर हमें दो विशेषताएं जरूर ध्यान रखनी है और जिनसे हमारी अर्थशास्त्र विषय की, अर्थशास्त्र शब्द की ही परिभाषा बनेगी। इन संसाधनों की विशेषताओं में जो पहली विशेषता है वो है संसाधनों की दुर्लभता। संसाधनों की दुर्लभता यानी संसाधनों की जो पहली विशेषता है वो ये है कि संसाधन दुर्लभ होते हैं यानी कि सीमित होते हैं। संसाधन दुर्लभ यानी कि सीमित होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कहें तो संसाधन जो है वो लिमिटेड होते हैं, संसाधनों की लिमिटेशंस हैं, संसाधन सीमित होते हैं। और इसकी दूसरी जो विशेषता है वो देखी जाती है वैकल्पिक प्रयोगों के तौर पर, वैकल्पिक प्रयोग या उपयोग। वैकल्पिक प्रयोग या उपयोग मतलब मल्टीपल यूज। अब देखिए संसाधनों की दो बड़ी विशेषताएं हैं कि भाई संसाधन जो है वो दुर्लभ होते हैं, संसाधनों में दुर्लभता पाई जाती है यानी कि संसाधन सीमित होते हैं। इंग्लिश में कहें तो संसाधन जो है लिमिटेड होते हैं। हर एक संसाधन की अपनी एक लिमिट है, हर संसाधन की अपनी एक हद है। दूसरी विशेषता कि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग ऑप्शनल यूज होते हैं। हम एक ही संसाधन को एक से अधिक जगहों पर, एक से अधिक जो चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये संसाधनों की विशेषता है। अब उदाहरण के तौर पर हम देखें कि भाई मान लेते हैं आपके पास कहीं पर भी 2 एकड़ ज़मीन है। अगर आपके पास कहीं पर भी 2 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा है तो पहली चीज़ तो ये कि संसाधन जो आपका 2 एकड़ ज़मीन है वो दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब क्या कि 2 एकड़ मतलब 2 एकड़ ही है। 2 एकड़ का मतलब उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि 2.1 जो है एकड़ हो सकती है, ज़रा सा भी एक सूत ज़मीन फालतू हो जाए, है ना, वैसा नहीं है। 2 एकड़ मतलब 2 एकड़, तो ये आपका संसाधन जो है सीमित है, लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि आप 2 को 2.5 एकड़ के तौर पर इस्तेमाल कर लो या 2 एकड़ को 3 एकड़ के तौर पर इस्तेमाल कर लो। 2 मतलब 2 एकड़ है तो आपका संसाधन क्या है, सीमित है, दुर्लभ है। इसी तरह दुनिया में जितने भी संसाधन हैं वो संसाधन क्या होंगे, सीमित होंगे यानी कि दुर्लभ होंगे। नंबर 2 कि अगर आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है तो उस 2 एकड़ ज़मीन पर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। उन 2 एकड़ ज़मीन का क्या होगा कि वैकल्पिक प्रयोग होंगे, ऑप्शनल यूज़ होंगे। कैसे कि अगर आपके पास 2 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा है तो आप उस पर खेती कर सकते हैं, आप किसी दूसरे को किराए पर दे सकते हैं, पशु पाल सकते हैं, अपना घर बना के रह सकते हैं, किसी भाई कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कोई कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह क्या है, आपके पास बहुत सारे क्या हैं, विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शनल हैं जो जिनके द्वारा आप उस ज़मीन के टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब आपका जो संसाधन है वो वैकल्पिक प्रयोग वाला है, उसके ऑप्शनल यूज़ हैं, आप उस संसाधन को एक से अधिक जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 विशेषताएं हैं संसाधनों की और इन 2 विशेषताओं की वजह से ही अर्थशास्त्र विषय की उत्पत्ति होती है, अर्थशास्त्र विषय बनता है। कैसे, अब इन दोनों चीज़ों को समझते समय हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने मूल परिभाषा की और बढ़ते हैं अपने मूल विषय की तरफ और वो है अर्थशास्त्र। तो देखिए जब हम अर्थशास्त्र विषय की परिभाषा की ओर को लेकर चलते हैं, जब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो लिखित परिभाषा है, जो शाब्दिक परिभाषा है अर्थशास्त्र विषय की और जो हमें अक्सर जो है याद रहनी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए, सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं है, तो उसकी जो परिभाषा होगी तो वो होगी वैकल्पिक प्रयोग वाले वाले दुर्लभ संसाधनों के साथ साथ मानवीय व्यवहार का अध्ययन अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले बात की संसाधनों की और मुझे लगता है कि हमें संसाधनों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है जब हम अर्थशास्त्र विषय की परिभाषा पर आते हैं, उसके अर्थ पर आते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, आशय क्या है, अर्थ क्या है, जो है इसका अभिप्राय क्या है, तो वहाँ हमारी जो परिभाषा है वो ये आएगी। छोटी सी परिभाषा समझते चलें, भाई सिंपल सी बात, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई वैकल्पिक प्रयोग वाले, अब देखिए संसाधनों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं और मैंने बात की कि वैकल्पिक प्रयोग वाले वो संसाधन जो उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं और वो दुर्लभ भी हैं, तो वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों के साथ मानवीय व्यवहार का अध्ययन यानी कि मानव के व्यवहार का अध्ययन, ह्यूमन नेचर का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है या अर्थशास्त्र की मूल विषय वस्तु है।
यहां देखिए सिंपल सी बात है हमने की कि अगर हम कहें कि हमारा जो मूल बिंदु है वो ये कि भाई हम अर्थशास्त्र में मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ह्यूमन नेचर का अध्ययन करते हैं, ह्यूमन का नेचर कि भाई एक इंसान, एक ह्यूमन जो है उन संसाधनों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, कैसा बिहेव करेगा जो संसाधन वैकल्पिक प्रयोग वाले भी हैं, ऑप्शनल यूज वाले भी हैं और उनके जो है दुर्लभ, वो दुर्लभ भी हैं, लिमिटेड भी हैं। तो यहाँ जो परिभाषा है हमारी अर्थशास्त्र की कि भाई वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों के साथ मानवीय व्यवहार का अध्ययन, मानव के व्यवहार का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है या अर्थशास्त्र की मूल विषय वस्तु है। हम इस प्रश्न, इस परिभाषा को हर उस जगह लिखेंगे जहां पर हमसे अर्थशास्त्र की परिभाषा, आशय, अर्थ, अभिप्राय पूछा जाए तो वहां हमारी परिभाषा ये होगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्थशास्त्र में और आगे, तो देखिए अर्थशास्त्र हालांकि बहुत सारे स्तरों पर जो है अलग अलग खंडों में है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि जो हमारा अर्थशास्त्र विषय है, अर्थशास्त्र हमारा विषय है, अर्थशास्त्र की शाखाएं पूछा जाए, अर्थशास्त्र के खंड पूछा जाए, इसके घटक पूछा जाए, इसके वर्ग पूछा जाए, तो यहां पर हम जो बात करते हैं अर्थशास्त्र कितने भागों में है, खंडों में है, रूपों में है, या अर्थशास्त्र शाखाएं क्या कितनी है। तो देखिए अर्थशास्त्र जो विषय है उसकी जब हम शाखाओं की बात करने लगते हैं, जब उसके वर्गों की बात करने लगते हैं, तो अर्थशास्त्र दो भागों में है, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो इसकी शाखा है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र जिसे इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो, यानी कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। जब हम दोनों शब्दों की देखिए, ये जो मतलब व्यष्टि और समष्टि है, ये अर्थशास्त्र की दो मूल शाखाएं हैं, दो मूल भाग हैं, दो मूल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब लेकिन इन जो है इन्हीं मतलब चीजों को कई बार कुछ क्लास वाइज जो है बांट दिया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो कक्षा 11वीं वाले जो बच्चे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं पढ़ना, और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, उनके साथ में उन्हें एक हेल्पिंग बुक दी गई है जो स्टैटिक्स है यानी कि सांख्यिकी है, और कक्षा 12वीं में बच्चे समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, और समष्टि के साथ साथ उन्हें 12वीं में ही एक और बुक दी गई है जो भारतीय अर्थशास्त्र का विकास है। तो भाई यहाँ पर देखिए व्यष्टि और समष्टि दो शाखाएं हैं, और ग्रेजुएशन पर जब बच्चे जाते हैं तो वहां पर उन्हें समष्टि व्यष्टि दोनों पढ़ने पड़ते हैं, और किसी भी अलग स्तर पर उन्हें व्यष्टि समष्टि जो है दोनों चीजें पढ़नी होती हैं। तो मूल रूप से जो अर्थशास्त्र विषय है उसकी दो शाखाएं व्यष्टि और समष्टि है। चलिए अब इन दोनों को समझें कि व्यष्टि क्या है और समष्टि क्या है। तो व्यष्टि समष्टि की बात करते समय जो बात करते हैं हम, माइक्रो और मैक्रो की बात करते समय हमें जो समझना है वो ये कि यहाँ पर जो व्यष्टि शब्द है उसमें व्यक्तिगत आता है, व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल। तो देखिए जब व्यष्टि की हम बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, क्योंकि हम अर्थशास्त्र में मानव जो है संबंध व्यवहार की बात कर रहे हैं, और मानव के सामने उत्पन्न आर्थिक समस्याओं और संबंधों की बात कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति के सामने, एक इंसान के सामने आर्थिक समस्याएं और संबंध उत्पन्न होते हैं, और वो कैसे उन आर्थिक समस्याओं संबंधों के साथ समन्वय स्थापित करता है, तालमेल बिठाता है, वो पढ़ना वो जानना ही अर्थशास्त्र है। तो इसकी व्यष्टि जो शाखा है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि भाई कि व्यक्तिगत स्तर पर उत्पन्न होने वाली जो आर्थिक समस्याएं और संबंध हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जो शब्द बना है वो व्यष्टि से बना है। तो जब हम व्यक्तिगत स्तर पर एक इंसान के जीवन के स्तर पर आर्थिक समस्याओं और संबंधों का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसके उलट हम जब जाएं दूसरी शाखा में तो यहां पर देखिए सम शब्द है, सम, सम का मतलब है टोटल, कुल, पूरा, सारा, सर्वत्र। तो यहां जब सम शब्द है तो वहां पर समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि मतलब कि जब हम पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी इकोनॉमी को एक इकाई मानकर, एक यूनिट मानकर उसका अध्ययन करें, उसके बारे में जानें, उसके बारे में समझें, या समष्टि स्तर पर जब हम आर्थिक समस्याओं और संबंधों का अध्ययन करें तो वह कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि यानी व्यक्तिगत स्तर पर, समष्टि मतलब कि समष्टि सर्वत्र स्तर पर, टोटल लेवल पर एक अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर उसके स्तर पर जब आर्थिक समस्याओं और संबंधों का अध्ययन हो तो वह है समष्टि अर्थशास्त्र। उदाहरण के तौर पर हम बात कर लेते हैं कि व्यष्टि और समष्टि है क्या। अब जाहिर सी बात है, हम उदाहरण लें कि एक कक्षा है, एक क्लास है, और क्लास में अगर हम हर बच्चे के बारे में, मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, एक बच्चा सोनू है और सोनू क्या करता है, कैसे करता है, किस विषय में अच्छा है, किस विषय में उसको और मेहनत करने की जरूरत है, अगर हम इस तौर पर हर बच्चे का अलग अलग अध्ययन करते हैं,
हर बच्चे का व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं तो वो कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन। और अगर हम पूरी क्लास को एक इकाई मानकर, पूरी क्लास को एक यूनिट मानकर उसका अध्ययन करें कि जो क्लास है वो किस तरह की है, किस विषय में अच्छी है, किस विषय में कमज़ोर है, या वो क्लास जो है वो किस कुछ जो क्या क्या गुण रखती है, अगर हम पूरी क्लास के स्तर पर अध्ययन करें तो कहलाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि यानी व्यक्तिगत स्तर पर, समष्टि यानी पूरे को एक मानकर उसका अध्ययन किया जाए। वैसे एक उदाहरण और की बात करते हैं आमतौर पर, है ना, जैसे भाई एग्जांपल बात करते हैं, आपको एक जंगल के सभी वृक्षों का अध्ययन करना है। अगर आप जंगल के सभी, जंगल में बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं, बबूल का पेड़ मिल सकता है, बरगद का, नीम का, पीपल का, बहुत सारे पेड़ होंगे, और उन जंगल के पेड़ों के सभी पेड़ों के बारे में अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं, पीपल के पेड़ के गुणों के गुणों की बात करने लगते हैं, उसकी आयु की बात करें, उसकी पत्तियों की बात करें, कब उसमें पता चल जाता है, कब वो है ना उसमें क्या चीज़ होती हैं, तो पीपल के बारे में अलग, बरगद के बारे में अलग, या किसी अन्य पेड़ के बारे में अलग अध्ययन करें तो वो व्यक्तिगत अध्ययन हो जाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। और ऐसे ही अगर हम पूरे जंगल को, पूरे वन को एक इकाई मानकर, एक यूनिट मानकर उसका अध्ययन करें तो हमारा कहलाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। यानी हम अध्ययन करने लगे कि जंगल के लाभ क्या हैं, हानियाँ क्या हैं, कब ये जंगल जो है वो उसमें पतझड़ आता है, कब वसंत आता है, इस तौर पर हम अध्ययन करने लगे तो वो हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि और समष्टि दो शाखाएं हैं अर्थशास्त्र की, और जो दोनों चीज़ें आपको अलग अलग लेवल पर या तो एक साथ या फिर अलग अलग होकर मिलेंगी। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, अगर उसके हम कंपोनेंट्स की बात करने लगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम मूल तौर पर किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, किन विषयों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके पर बात करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र की जो मूल घटक हैं, मूल शाखाएं हैं, या इंग्लिश वाले बच्चे कहें तो माइक्रो और मैक्रो के कंपोनेंट्स क्या हैं उसकी बात करें, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं अगर व्यष्टि की, तो व्यष्टि के मूल तौर पर तीन कंपोनेंट हैं, तीन कंपोनेंट कह दें या फिर तीन इसके घटक कह दें, तो तीन पार्ट कह दें। तो देखिए पूरी व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप तीन चीज़ों पर गौर करेंगे, तीन चीज़ देखेंगे। इनमें जो पहली चीज़ है वो है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, भाई देखिए जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पहले उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में बात करेंगे, उसके व्यवहार के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। और उपभोक्ता क्या है मुझे लगता है कि मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि हम पूरे अर्थशास्त्र में व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत यानी एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर किन किन स्थितियों में कैसे निर्णय लेता है, कब वो अपनी मांग बढ़ाता है, कब अपनी मांग घटाता है, किस तरह का व्यवहार करता है, उस सब का अध्ययन करना है हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो इसी से उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत पर आधारित हैं। दूसरा जो यहाँ पर है वह है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, क्योंकि दूसरा जो मेन किरदार है व्यष्टि में वह है उत्पादक। तो यहाँ हमारा दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, सिद्धांत यानी एक तो हम उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में बात करेंगे और दूसरा हम उत्पादक व्यवहार सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। एक उत्पादक के तौर पर एक व्यक्तिगत जो व्यक्ति मतलब इंसान है वो किस किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह का बिहेवियर अपनाता है, तो उसकी बात करेंगे। उत्पादक के तौर पर कहाँ वो लागत, कहाँ निवेश, कहाँ चीज़ें मतलब किस तरह उनको मैनेज करता है उसकी बात करेंगे। तीसरी जो हमें बात करनी है वो है कीमत सिद्धांत, क्योंकि उपभोक्ता का और जो उत्पादक है उन दोनों का ही व्यवहार वस्तुओं की कीमत पर, उत्पादों की कीमत पर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ कीमत सिद्धांत की हम बात करेंगे। और पूरी जो हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो इन तीन ही चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और कीमत सिद्धांत। पूरी आपकी इको अगर आपको पढ़नी है तो आप इन तीन चीज़ों को जो नज़र में रखें तो पूरी व्यष्टि अर्थशास्त्र, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ लेंगे। तीसरी हम भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र के भी तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन इसके घटक हैं, भाग हैं, ठीक है, इधर भी तीन ही चीज़ें हैं। अब देखिए क्योंकि हम समष्टि में सम यानी कि टोटल स्तर पर बात करते हैं और एक अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका जो पहला महत्वपूर्ण घटक है, कॉम्पोनेंट है, वो है आपका अर्थव्यवस्था संतुलन, अर्थव्यवस्था संतुलन। यानी एक अर्थव्यवस्था, एक इकोनॉमी संतुलन की स्थिति में कब होती है, कैसे होती है और उसके संतुलन में कौन कौन सी बातें निहित होती हैं, शामिल होती हैं, तो यहाँ का जो इसका मेन कंपोनेंट है वो क्या है, अर्थव्यवस्था संतुलन है। इसका दूसरा मेन कंपोनेंट है वो है अर्थव्यवस्था असंतुलन, अर्थव्यवस्था
असंतुलन, यानी किन किन कारणों से किन किन स्थितियों में एक अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाती है, असंतुलन के परिणाम क्या होते हैं, उसके निहित अर्थ क्या होते हैं, उन सब की बात जो हम करते हैं वो जो समझते हैं करते हैं कि अर्थव्यवस्था का असंतुलन का मतलब क्या होता है। और तीसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है अर्थव्यवस्था असंतुलन को ठीक करने के उपाय, यानी कि कोई अर्थव्यवस्था अगर असंतुलित हो जाती है तो उसे ठीक करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं या होते हैं और उनमें किसकी क्या भूमिका होती है, ये समय पढ़ना है। अर्थव्यवस्था असंतुलन को ठीक करने के उपाय, उसे संतुलित करने के उपाय। उपाय तो देखिए इस तरह व्यष्टि और समष्टि में जो हम बात कर रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जो एक शाखा है अर्थशास्त्र की, और उसके घटक क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है उसकी बात कर ली, और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इसके महत्वपूर्ण जो घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। तो यहां पर हमने अर्थशास्त्र से शुरू करते समय अर्थशास्त्र की जो मतलब पहले जो उनसे जरूरी है कुछ पांच शब्दों की हमने बात की थी, उसकी बात कर रहे थे, और साथ में हमने जो है आपके उसके बाद संसाधन क्या है उनकी विशेषताएं की बात कर रही थी, क्योंकि संसाधनों को समझना बहुत जरूरी है और इसलिए मैंने उनको पहले बताया। फिर हम परिभाषा पर आए, हमने अर्थशास्त्र विषय के दोनों कॉम्पोनेंट्स और जो उनके कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी बात की है, उनके घटकों की बात की है। तो यहाँ अर्थशास्त्र विषय हमारा पूरा हो जाता है। तो इसके बाद क्योंकि हमने एक शब्द की बार बार चर्चा की है, मतलब बार बार उसका जिक्र आया शब्द का, और शब्द है अर्थव्यवस्था। तो देखिए अर्थव्यवस्था शब्द को अब हम थोड़ा सा बारीकी से समझ लेते हैं, और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर हमें समझ नहीं आ रही हैं और इतनी सरल भाषा में जो है मेरा ख्याल है कि समझ आ जानी चाहिए, तो उसके बाद थोड़ी सी समस्याएं कम होने लगती हैं अर्थशास्त्र में, और जो लोग हुआ बना रखा है जिन लोगों ने इको का उनके लिए भी है कि देखिए इको कोई पहाड़ नहीं है, है ना। अगर जो बच्चा सोशल स्टडीज पढ़ने वाला है, जो हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ने वाला है, उसी तरह इकोनॉमिक्स भी है, थ्योरीज हैं, थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, और इसके साथ जो है इको कोई पहाड़ नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि हम बात कर रहे थे कि अपना एक शब्द जिसका हमने जिक्र बार बार किया, लेकिन शब्द के बारे में चर्चा अब हम कर रहे हैं, और वो शब्द है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था या इसे हम इकोनॉमी कहते हैं। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। अब देखिए कई बार पहली तो चीज ये क्लियर कर लें कि कई बार होता यह है कि जो बच्चे हैं वो क्या कर बैठते हैं, वो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को एक समझ बैठते हैं, या फिर उन्हें इन दोनों शब्दों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अर्थशास्त्र क्या है अर्थव्यवस्था क्या है। एक बात क्लियर करते चलें कि भाई देखिए यहां पर हम अर्थ तो अर्थ यहां भी है अर्थ यहां भी है, और अर्थ का मतलब यहां पर धन है, पैसा है, रुपया है। और उसके बाद देखें कि जो अगला पार्ट है वो यहाँ पर शास्त्र है। शास्त्र का मतलब है कि भाई जिस चीज़ में हम अध्ययन करते हो, जिसमें पढ़ते हो, शास्त्रों के बारे में आपने पढ़ा है कि भाई धर्म शास्त्र है, ठीक है, धर्म ग्रंथ है, तो शास्त्रों में अध्ययन किया जाता है, शास्त्र है ये अर्थशास्त्र, जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं कि भाई कैसे एक मानव व्यवहार करता है, और ये व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब कि सिस्टम है, एक तंत्र है, एक प्रणाली है। तो अर्थशास्त्र जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं वो कुछ एक अलग चीज़ है, और अर्थव्यवस्था एक अलग चीज़ है। हालांकि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन एक बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ एक जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करते समय जो बात करें वो इकोनॉमिक्स है और ये इकोनॉमी है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है, और जो इकोनॉमी है वो पार्ट है, कॉम्पोनेंट है किसका, इकोनॉमिक्स का। आगे जब बात करते चलते हैं हम जो है अर्थव्यवस्था की, तो देखिए ऐसा है, हम एक व्यक्ति होने के नाते जैसे हमने कहा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में उत्पादक भी होता है, अपने जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का उपभोक्ता भी होता है। अब कोई भी जो इंसान है बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग भी करेगा, भाई जो है भोजन का, कपड़ों का, मकान का, अन्य वस्तुओं का भाई उपभोग भी करेगा, और हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए किसी न किसी चीज़ का उत्पादन भी करता है, यानी कि वो प्रोड्यूसर भी होता है, उत्पादक भी होता है। तो एक उत्पादक और एक उपभोक्ता होने के नाते होता ये है कि जो इंसान है वो अर्थव्यवस्था का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। कैसे, अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो पहले इसकी परिभाषा को लिखें और फिर हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो देखिए इसकी परिभाषा जो होगी, भाई अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक
व्यक्ति को आजीविका यानी कि रोजगार प्रदान करती है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जो प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका यानी कि रोजगार प्रदान करती है। जिस प्रणाली से, जिस तंत्र से हर एक व्यक्ति को, हर वो व्यक्ति के जो काम करने के योग्य है, काम करने को इच्छुक है, कोई भी कोई ना कोई काम करता है, हर उस व्यक्ति को आजीविका देने वाला, रोजगार देने वाला जो तंत्र है, जो प्रणाली है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था को थोड़ा समझते हैं कि होती क्या है। अब देखिए, जाहिर तौर पर मैं एक टीचर हूँ और एक टीचर होने के नाते मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जो है एक प्राइवेट टीचर हूँ तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो भी बच्चे पढ़ते होंगे उनके यहाँ से जो फीस आती है वो मेरी आय का साधन है, वो मेरी आजीविका का साधन है। अब होता क्या है कि भाई मान लेते हैं, जाहिर सी बात है कि जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, अगर मेरे पास 10 बच्चे पढ़ते हैं और इन 10 बच्चों के पास से जो मेरे पास फीस आ रही है, इन सभी 10 बच्चों के घरों में जो आय का साधन है वो अलग अलग हो सकता है। किसी बच्चे के जो पेरेंट्स जो फीस पे कर रहे हैं, जो फीस भर रहे हैं, वो बिजनेस कर सकते हो, सकता है बिजनेस करते हों। किसी बच्चे के पेरेंट्स कारपेंटर हों, किसी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो टीचर भी हो सकते हैं, किसी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं इंजीनियर हो सकते हैं, मैकेनिक हो सकते हैं, कोई भी काम करते होंगे। यानी कि मेरे पास जो फीस आ रही है वो अलग अलग साधनों से जो इकट्ठी होकर आ रही है, और मेरे पास जो इनकम आई, मेरे पास जो फीस आई वो मेरी आय बनी, मेरी इनकम बनी, और मैंने अपनी उस इनकम को, अपनी उस आय को विभिन्न चीज़ों पर खर्च कर दिया। मैंने उस जो है अपनी इनकम का एक हिस्सा अपने खाने पीने पर खर्च किया, एक हिस्सा अपने कपड़ों पर खर्च किया, एक हिस्सा अपने भाई घर के रेंट पर खर्च किया। तो इस तरह मेरे पास अन्य अन्य साधनों से इनकम आई और मैंने उसे अन्य अन्य साधनों पर, अलग अलग साधनों पर, अलग चीज़ों पर खर्च कर दिया। अब हुआ ये कि जो है कि ये पूरा एक तंत्र है, पूरा एक सिस्टम है। अब मान लेते हैं एक राष्ट्र है, एक देश है, और एक देश की जो इकोनॉमी है वो यही कहलाती है कि भाई उस देश में जितने भी जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ अपना इस सिस्टम में, इस चक्र में। अब देखिए, कहीं से इनकम मेरे पास आई, मैंने किसी को दी, उसने किसी को दी, उससे किसी के पास चली गई, और ये पूरा एक सर्कल है, पूरा एक सर्कल है, पूरा एक चक्र है, और इसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी सिस्टम को, इसी तंत्र को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम है जो प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका यानी कि रोजगार प्रदान करता है। हर व्यक्ति अपना कुछ अर्थव्यवस्था में दे रहा है और उसके बदले उसे आजीविका यानी कि इनकम यानी कि रोजगार मिल रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था शब्द की परिभाषा है। अर्थव्यवस्था शब्द की परिभाषा की बात करने के बाद हमें जो बात करनी है वो है कि भाई अर्थव्यवस्था जो है, अब देखिए भारत की अर्थव्यवस्था यानी पूरा जो भारत देश है वो एक अर्थव्यवस्था भी कहलाता है, और भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसका हो सकता है कि तरीका कुछ और हो, उसका मॉड्यूल कुछ और हो, और किसी अन्य देश का जो मॉड्यूल है वो कुछ और हो सकता है। लेकिन पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, अगर आपसे पूछे कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, अर्थव्यवस्था कितने तरह की है, तो पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के तीन ही प्रकार हैं। और वो तीन प्रकार कैसे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। यानी पूरे वर्ल्ड में तीन ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, या पूरे विश्व में जिस भी देश में अर्थव्यवस्था जो है होगी वो इन तीन में से किसी एक प्रकार की होगी। ये तीन प्रकार कौन से हैं उनकी बात करें तो देखिए, विश्व में जो तीन प्रकार हैं अर्थव्यवस्था के, उसमें जो पहली तरह की अर्थव्यवस्था है उसे हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या फिर इसे बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था हम इसे बोलते हैं, जो पहला प्रकार है अर्थव्यवस्था का। और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं इसे कैपिटलिज्म बोलते हैं, इसे कैपिटलाइज जो है इकोनॉमी बोलते हैं। तो देखिए, इसमें हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि देखिए, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों पर, सभी संसाधन, सभी उद्योग, सभी कारखाने, सभी जो चीज़ें हैं उन सब पर क्या हो कि निजी कंपनी यानी कि मार्केट का जो है कंट्रोल हो, मार्केट का उस पर अधिकार हो, बाजार का अधिकार हो, सभी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन के हाथों में हो, निजी कंपनियों के हाथों में हो, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। कल्पना करें कि हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, अगर भारत में सभी चीज़ें मतलब प्राइवेट हो जाएं, सभी चीज़ें जो है मतलब क्या निजी उद्योगों, निजी कंपनियों के हाथों में चली जाएं, तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, वो पूंजीवादी कहलाएगी। तब कि जब हमारे देश में सभी चीज़ें प्राइवेट हो जाएं, सभी चीज़ें
निजी हो जाए तब कहलाएगी। तो एक तरह की अर्थव्यवस्था ये है, और वर्तमान में अमेरिका एक उदाहरण है हमारे पास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। अमेरिका की जो इकोनॉमी है और ऐसे बहुत सारे देशों की जो इकोनॉमी है वो कैसी है भाई, पूंजीवादी है, वहां की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। इसमें दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, या इसे हम समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समाजवादी और साम्यवादी शब्द थोड़े से राजनीतिक हो जाते हैं, और इसलिए हम यहां जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, या इसे हम केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कह देते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था क्या है, जैसे जहां पर इसे इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो सेंट्रलाइज इकोनॉमी कहते हैं, इसे सेंट्रलाइज इकोनॉमी कहते हैं, इसे कैपिटलाइज जो कैपिटलिज्म कहते हैं कैपिटलाइज इकोनॉमी कहते हैं। और यहाँ जब सेंट्रलाइज इकोनॉमी बात करें तो यहाँ होता क्या है कि इस देश में जहां पर जो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था हो वहां पर होगा ये कि सभी जो संसाधन हैं, सभी जो देश के रिसोर्सेस हैं, उद्योग, कारखाने, सभी चीज़ें जो क्या होंगी वो गवर्नमेंट के नियंत्रण में होंगी, सरकार के हाथों में होंगी, और सरकार उन चीज़ों को सभी लोगों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सब बराबर बराबर बांटेगी। तो इस तरह की जो इकोनॉमी कहलाती है वो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाती है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहलाती है, या सेंट्रलाइज इकोनॉमी कहलाती है। अगर कल्पना करें कि भारत में ऐसा हो जाए कि भारत में सभी उद्योग, कारखाने, सभी काम धंधे, सभी जो रोजगार के साधन हैं वो क्या हो जाएं कि सरकार के कंट्रोल में हो जाएं, सरकार के नियंत्रण में हो जाएं, यानी सब कुछ गवर्नमेंट हो जाए। आज जब सभी लोग जो हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं तो यहाँ सोचें कि सब कुछ ही गवर्नमेंट हो जाए, सारी जिसकी भी जॉब हो वो सब गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट हो, प्राइवेट नाम की कोई चीज़ ना हो। तो ऐसी इकोनॉमी को, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहेंगे, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहेंगे। ऐसा आजकल बहुत देश के बहुत कम देशों में, अगर उदाहरण की तौर पर बात करें तो जो भूतपूर्व जो चीन है, चीन में पहले काफ़ी टाइम तक जो है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था रही, और चीन को जहाँ से सीख मिली सोवियत संघ यानी कि जो USSR था उसकी भी अर्थव्यवस्था कैसी थी, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था थी। आगे बढ़े तो बात करते हैं हमारा जो तीसरा प्रकार है जो अर्थव्यवस्था का, वो है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी से हम कहते हैं। और देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है कि जहां पर कुछ उद्योगों पर, कुछ कारखानों पर, कुछ संसाधनों पर किसका भाई बाजार का यानी कि जो निजी कंपनियां हैं, निजी उद्योग हैं, उनका नियंत्रण हो, और कुछ कारखानों पर, कुछ उद्योगों, कुछ चीजों पर किसका अधिकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी सिंपल सी बात है कि जो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। और भारत सहित विश्व के बहुत सारे देशों में आज यही जो तरीका है, यही जो पैटर्न है वो बहुत लोकप्रिय तरीका है। तो इस तरह अर्थ जो है व्यवस्था के तीन प्रकार हैं, अर्थव्यवस्था के तीन खंड हैं, तीन रूप हैं, तीन जो है इसके भाग हैं, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की है। इस तरह जो अर्थशास्त्र है और अर्थव्यवस्था है हम उसकी चर्चा करते समय आ गए हैं, और इसमें हमने जो है बड़ी जो है कह सकते हैं कि भाई तसल्ली से हमने बात की है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था और इनके जो मूल जो घटक हैं, जो इनके मूल भाग हैं, उन सब की चर्चा की है। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी एक सामान्य से समझ बना पाए होंगे, और जो भी हमें सजेशंस मिल रहे हैं वीडियोस के लिए हम उन पर आगे भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे, उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे लेकिन जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो बेहतर से बेहतरीन होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। साथ साथ आप सभी से एक अपील भी है कि अगर आप इस चैनल को जो है पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें, और अगर वीडियोस में आपको जो कंटेंट है, जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर लें। साथ ही साथ जो आपके सहपाठी हैं, साथी हैं, और आपको लगता है कि उन्हें भी इस तरह की जो समझ है वो होनी चाहिए, उनकी समझ भी इस तरह की बननी चाहिए, तो उन्हें वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। इसी जो है रिक्वेस्ट के साथ, अनुरोध के साथ मैं आज की इस वीडियो से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।